झारखंड राज्य का एक ऐसा स्थल जहां चारों धर्मों का पवित्र धार्मिक स्थल एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। मसलुस्की गंज के नजदीक धुली गांव स्थित है, जहां चारों धर्मों का पवित्र धर्म स्थल एक ही प्राचीर से घिरा हुआ है। एक ही परिसर में मंदिर, मजार, चर्च और गुरुद्वारा बनाया गया है। चारों धर्मों का पूजा स्थल लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है। इस अनोखे स्थल में आकर चारों धर्मों के पूजा स्थलों का दर्शन करते हैं। गर्भगृह में स्थापित देवी देवताओं से प्रार्थना कर मन्नत मांगते हैं। इस धर्म सभा स्थल की खास बात है कि लोगों एक ही धर्म की पूजा न कर चारों धर्मों के प्रतीक स्थलों में माथा टेकते हैं। सर्वधर्म सभा स्थल का निर्माण 1960 से 65 ईस्वी के आसपास दूली के नरेश चंद्र बाहरी जी के द्वारा किया गया था। ये दिल्ली के उद्योगपति थे। दूली गांव से इनका काफी लगाव था और ये अक्सर यहाँ आना जाना करते थे। वे सभी धर्मों में विश्वास करते थे। 1960-65 के बीच जब सांप्रदायिक दंगा भड़क उठी थी, तब उन्होंने गांव में एक ही स्थल पर चारों धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक स्थल बनाने का निर्णय लिया। चर्च और गुरुद्वारा का निर्माण शुरू होने ही वाला था कि नरेश चंद्र का निधन हो गया, जिस कारण निर्माण अधूरा रह गया है। नरेश चंद्र बाहरी जी का कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए उनका सपना आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार नरेश चंद्र बाहरी जी की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार इसी धर्म स्थल सभा स्थल में की जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनके मृत्यु के उपरांत उनका अंतिम संस्कार धर्म सभा स्थल के पास ही किया गया है। दूली में नरेश चंद्र बाहरी जी की करीब 300 एकड़ जमीन है, जिसको देखने वाला आज कोई नहीं है। यह पर्यटक स्थल मसलुस्की गंज खलारी के बीच स्थित है, जिस कारण अक्सर पर्यटक यहाँ आया करते हैं, किंतु सरकार के द्वारा उपेक्षित रहने के कारण यह पर्यटक स्थल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। हालांकि 11 जुलाई 2013 को तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दूली के इस धर्म स्थल के विकास के लिए विभाग से निर्माण कार्य को लेकर उद्घाटन कराया था। इसमें मेगा टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत विभाग ने धर्म स्थल की चार दीवारी बनाई, परिसर में टाइल्स बिछाया और सर्वधर्म प्रार्थना स्थल का भी निर्माण कराया। गेट के बाहर चापानल और काटेज भी बनाया गया, लेकिन उचित रख रखाव के अभाव के कारण अब यह भी बिखरने लगा है। सरकार की उपेक्षित नीति के कारण ऐसा ऐतिहासिक स्थल खंडहर के रूप में तबलीत होते जा रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आगे ऐसे ही नई खोज के साथ अगला वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए चैनल प्रतिबद्ध है।
धन्यवाद।